दोस्तों, मैं हूं आपका ऑटोड्राइवर, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, आज हम कर रहे हैं होंडा एक्टिवा 4G। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, जैसे वीडियोस बनती रहती है वैसे आप लोगों को मिलेगी। इस स्कूटी के अंदर क्या इशू है, इसके अंदर इशू ये है, कुछ भी इशू नहीं है, इसकी सिर्फ सर्विस होनी है। सर्विस ही होनी है ना, सिर्फ नॉर्मल सर्विस है। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो सारी आप लोगों को दिखा देंगे कि कैसे कैसे काम होगा, सर्विस की वीडियो बनाते हुए आप लोगों को दिखाते हुए। चलो मिलते हैं अब सारे रियल कैमरा। दोस्तों, जैसे इसके खुले सारे पार्ट क्या क्या खुले जाते हैं, देखो सीधी बात है, ये वाली ये सारी चीज़ इसकी खुली जाती है। तो जैसे इसका सारा काम खुल रहा है, जैसे देख रहे हो इसका जितनी भी चीज़ है वो सारी खुली जाएंगी, ठीक है। ये सारा खुलेगा, इसका ये खुलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। जैसे नॉर्मल स्कूटीज में देखते हो ये खुल जाता है, तो ये सारा झमेला खोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। और बाकी दिखाते काम कैसे कैसे सारा हो, मैं नाम ही नहीं ले रहा, मुझे बनाया ना, क्योंकि कंपनी दिक्कत कर देती है बाद में, कंपनी बहुत दिक्कत कर देती है, इसको फंसा देगी कि तू कैसे वीडियो बनवा रहा है, ऐसा होता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये लोग रजिस्टर में, इसने लिखी हुई रजिस्टर में 10 स्कूटी है मेरे पास, और इसमें ज़्यादा चला रहा हूँ, क्योंकि फायदा होता है ना इससे, ये होता है इसलिए। तभी सामने क्या नहीं रहता, मैं कंपनी मना कर देते लोग। है तो दोस्तों, ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो इसके अंदर एक्टिवा है, एक्टिवा के अंदर जो मतलब ये चीज़ है, मतलब ये हर स्कूटी में ही होती है। तो भाई हर स्कूटी में ही होती है, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में नई नई स्कूटी बहुत सारी चीज़ें। इसके अंदर क्या है कि ये चीज़ बड़ी आसानी से ओपन हो जाती है, ये चीज़ में कहते बता रहे काफ़ी बढ़िया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ ना एक ही साथ जुड़ी हुई है, तो ये चीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। कि देखा जाए तो देखो इस तरीके से निकली है भाई इसकी, ठीक है, कहते ये देख लो, मतलब वैसे भी अंदर से कहाँ ही धुलती होगी स्कूटी, क्योंकि जब भी वॉशिंग होती होगी तो बाहर बाहर से होती है, अंदर से नहीं होती है। ये तो दिखाएंगे कैसे कैसे इसकी होती है सारी सर्विस। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले होगा ये फिल्टर, एयर फिल्टर इसका क्लीन होगा, ठीक है। तो देखो वैसे ज़्यादा हो तो अब हर दूसरी तीसरी सर्विस में अगर इसको चेंज करा लो तो सबसे बढ़िया रहता है, ज़्यादा इशू रहती भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे कैसे, तो पहले क्या है, एक चीज़ में आप लोगों को और क्लियर करता हूँ, इसके अंदर क्लियर क्या करना है। जैसे देखो जब भी सर्विस होती है तो सबसे पहले जितनी भी स्कूटी होती है, बाइक होती है, वो सबसे पहले वॉशिंग होती है, क्योंकि वॉशिंग करने से ये होता है कि हमें हर एक चीज़ बारीकी से पता चल जाता है। और जो जैसे बोल्ट के ऊपर कहीं कहीं पे ऑयल रहता है, तो वो सारी चीज़ें पता क्या होता है, वो निकालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसलिए अभी क्या, अभी हम यहाँ पे बाहर कहीं आ रखे हैं, तो वहाँ पे हम ये सर्विस कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बोलता कि हम होम डिलीवरी भी कर देते हैं, लेकिन हाँ उसका चार्जेस कुछ अलग होता है, ठीक है। हम आते जो आते हैं वो चार्जेस अलग होता है उसका, लेकिन कर देते हैं। तो अभी क्या है, बाकी देख लो इसका एयर फिल्टर कैसा निकला है, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो सही था, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से इसको झाड़ वाड़ के अच्छे तरीके से जो भी कंडीशन होगी देखी जाएगी, आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो अब इसका आते हैं दूसरी साइड की तरफ, दूसरी साइड में तो क्या तो अब इसका खुलेगा, देखो फिल्टर बॉक्स टर्बो फिल्टर, तो इसके अंदर है टर्बो फिल्टर खुलेगा। अब इसका ये भी दिखाएंगे कैसे कैसे होगा चेंज। और देखो ये चीज़ होती है, ये फिल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ को बारीकी से ध्यान से दिया जाता है। वैसे ये वाला जो फिल्टर होता है फॉर्म वाला होता है, जैसे आप लोग वो देख रहे हो कि वो पेपर वाला था, लेकिन ये क्या है, ये फॉर्म वाला मिलेगा। देखो जैसे आप लोगों को ये मिला फॉर्म वाला, ठीक है, लेकिन ये जिसने भी देखो आप देखो जैसे फिल्टर है ना गलत लगा हुआ है, इस तरीके से फिल्टर किसी ने ये इस तरीके से लगता है, पलट के लगता है ये जो होता है, ठीक है, ये ऐसे लगता है बिल्कुल आराम से, कितने प्यार से, ठीक है। आप इसकी लंका लगा रखी है इस फिल्टर की, ठीक है। तो आप दिखाते और क्या क्या होगा। तो ये इसका ऑयल निकला है, ठीक है, ज़्यादा तो खाई खास हालत है नहीं, वो तो पता चलेगा कितना निकला, उस हिसाब से इंजन की पता चलता है कि इंजन की क्या क्या हालत है। अभी देखते हैं जितना होगा सारा ड्रेन करना है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्रेन करने के लिए, ठीक है। अगर ड्रेन नहीं करोगे तो पुराना इंजन ऑयल ये सारे मिक्स होकर ना लंका लगा देती है अंदर चीज़, क्योंकि ऑयल के अंदर क्या होता है, ऑयल के अंदर ये होता है कि जब इसके जो पार्ट्स होते हैं, कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं वो घिसते हैं, तो घिसने की वजह से क्या है वो ऑयल में आ जाता है। ये चीज़ इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है। जैसे आप बाइक्स में देख रहे होगे ऑयल फिल्टर आ गया आजकल, जैसे हर बाइक्स में होता है, कुछ स्कूटी में भी होता है, लेकिन इन्हों में खैर नहीं है, तो अब इसमें भी है, चलो इसमें भी है, मेरे को खैर जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, मैंने अभी अभी स्कूटी पर मॉडिफिकेशन शुरू करी है, तो इतना ज़्यादा नॉलेज है, इसमें भी है, तो चलो पता चलेगा, वो भी तुम्हें दिखाएंगे क्लीन करके कि कैसी है। सारी जितनी भी मतलब जो अंदर देखा जो मेटल के पार्ट्स घिसते हैं वो सारे वहाँ पे जाके फिल्टर हो जाए, तो वो चीज़ भी आप लोगों को अभी पता चलेगी। तो यहाँ से इसका तुम लोगों को और फिल्टर दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, और इसी के अंदर तुम्हें देखो सर्विस के अंदर ये चीज़ होती है क्लीन, ठीक है। और ये रहा, ये देख लो, ये रहा इसके पार्ट, ये देखो ये निकले,
ये देख रहे हो ना, ये सारा इसका मेटल का पार्ट है। अगर इसके ये देखो, ये रहा सारा, अगर ये इसके अंदर रहेगा, ये छोटी सी चीज़ है, ये रिंग पिस्टन काट देते हैं, ये लगा लो, ये घूम रहा है किसी हाथ के बीच में भी ऐसे रगड़ रहा है, तो देख लो अलग टाइप फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, क्लीन करनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बाइक्स में भी आजकल आ ही रही है और जैसे इसमें भी आ रही है। तो और बाकी चीज़ें दिखाते रहते हैं आप लोगों को कंटिन्यू। अभी गए, अभी निकल रहा है इसका स्पार्क प्लग, ठीक है, स्पार्क प्लग निकाल के दिखा देते हैं हम लोगों को कैसे निकला और क्वालिटी भी दिखा देंगे, मतलब स्पार्क प्लग भी दिखा देंगे कैसा कैसा हो रहा है आपका स्पार्क प्लग। हो रहा है एयर फिल्टर क्लीन, जैसे कि आप लोगों को पता है पेट्रोल से काफ़ी अच्छे तरीके से इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, जैसे इंसान नाक से सांस लेता है स्कूटी, यहाँ से सांस लेती है, चाहे ये वाला हो गया चाहे ये वाला हो गया, ठीक है, ये सारे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छे तरीके से। देखो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जैसे आ रखी है, तो अब दिखाते हैं और कैसे कैसे काम होगा। अभी तक हाल फिलहाल में हो गया स्पार्क प्लग क्लीन, जो कि हम कर रहे हैं वापस फिट, ठीक है, स्पार्क प्लग फिट हो रहा है। और अभी क्या, ये लोग ये धुलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा साधन नहीं होता, धुलती तब है जब गाड़ी, जैसे आप लोगों अगर अपनी बाइक धुलवानी हो तो उसके लिए क्या, जब जैसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आता रहता है तो उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा, फिर हमें उसके हिसाब से मशीन्स भी लानी पड़ती है। यहाँ पे क्या, हाल फिलहाल में इनको सिर्फ करनी है सर्विस, और अगर वैसे आप चाहते हो कि हमारी शॉप पर आकर धुलेगी, तो जैसे आप लोगों को पता है चार्जेस, आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, तो 50 रुपीज़ होती है वॉशिंग के, ठीक है। और इसके बाद जो है अब ये सारा यहाँ पे तो खैर अभी हाल फिलहाल में नहीं होगा, और जब वॉशिंग होगी तो ये सब हटा के अच्छे तरह प्रॉपरली आपको वॉशिंग करके भी दिखाई जाती है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियोज़ में दिखाई थी। अभी क्या हो रहा है, बस नॉर्मली अब इसका काम चल रहा है, दिखाते रहते हैं आप लोगों को, और फिल्टर विल्टर क्लीनिंग ये सब हो रहा है, बाकी दिखाता हूं। तो अभी क्या है, जैसे तुम लोग देख रहे हो इसका फ़िल्टर किस तरीके से क्लीन होकर निकला है भाई, ठीक है, प्रॉपरली क्लीन होकर निकला है ये, ठीक है। चाहो तो रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वैसे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पंज ही होता है, कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। और बाकी जो है अभी क्या, ये सूखा गया, जैसे तुम लोग देख रहे हो थोड़ा गीला था तो इसको सुखा लें, ऐसे एकदम ही मत लगा दें भैया, आग पकड़ लेगी तो हो जाएगा बवाल। क्या जी, और ये गाड़ी परेशानी करेगी स्टार्टिंग? हाँ, तो जैसे ये है कि अगर तुमने ऐसे लगाते तो स्टार्टिंग में परेशानी करेगी, जो कि नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी दिखाते रहते हैं आप लोगों को बाकी सारा काम। तो देख लो भाई, ये हो गया प्रॉपरली क्लीन, पहले कैसा था प्रॉपरली क्लीन। देखो ये चीज़ ख़राब होने वाली नहीं होती, ये चीज़ को भी ख़राब नहीं होती, बहुत ही कम चांस हो गया जाली फट गई, सो फट गई, अदरवाइज फटी नहीं हो, बाकी देखो क्लीन, ठीक है। ये हर बार ही करनी चाहिए, ये चीज़ हर बार ही करनी चाहिए, ठीक है, हर बार का ही काम होता है, ये छोटी सी चीज़ होती है, बहुत सारे मैकेनिक इस चीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग इसका काफ़ी हद तक ध्यान रखते हैं, मुझे इसका काफ़ी हद तक काम हो चुका है। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि भाई फिल्टर जगह क्लीन, ठीक है, फिल्टर इसका लग चुका है, क्लीन करके हमने लगा दिया इसके अंदर फिल्टर का क्लीन करके हमने लगा दिया है, ठीक है, प्रॉपरली बॉक्स भी देख रहे होगे, प्रॉपरली हमने पूरे अच्छे तरीके से वॉश करा है, ठीक है। बहुत से लोग इसको डीजल वीजल से भी वॉश करते हैं, भाई ये सब नहीं करना है, नॉर्मल इसी से ही करना है। और बाकी इसको लगाने का तरीका देखो, लगाने का तरीका ये देखो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ लगती कैसे है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जिसने करी थी, तो जिसने इससे पहले करी इसने भाई प्रॉपरली इस तरीके करके लगाई थी, पूरी एक एक रिंकल्स आ गए थे इसके ऊपर। आप देखो तरीका सेट करने का तरीका क्या होता है, हर एक जगह से अच्छे तरीके दबा दबा के ऐसे लगते, ये नहीं कि बस अंधेरी में और जल्दी जल्दी कर दिया। डायलॉग तो वैसे खैर ये बहुत बढ़िया था, लेकिन मार नहीं सकता वरना भाई गाइडलाइंस आ जाती कमेंट की, ठीक है। तो ये चीज़ को प्रॉपरली क्लीन करके लगाना है। तो इंजन ऑयल भी अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ इसका कैसा निकला है, वो भी पता चलेगा। तो फाइनली यहाँ पे इसका बोल्ट लग गया, ठीक है, देखा इंजन ऑयल निकला आधा लीटर, जबकि ये चीज़ बेकार थी। अगर मैं रियलिटी बोलूँ, आधा लीटर इंजन ऑयल इसमें नहीं निकलना था, इंजन को इसमें हार्म कर देता, ठीक है। तो यार आधा लीटर खैर इसमें निकला, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वो है रहती है, यानी इसकी लेट भी हुई है सर्विस, और जिस हिसाब से कलर देखो प्रॉपर ब्लैक है, प्रॉपरली ब्लैक है, ठीक है। और बाकी दिखाते आप लोगों को और बाकी सारा काम। और नेक्स्ट चीज़ देखो, इसके अंदर ये होता है, ये जो ये होता है ना इंजन ऑयल लेवल चेक करने का, भाई इसे भी वॉश करना होता है, इसे भी वॉश करना होता है। तो बाकी का आगे और काम दिखा, तो देखो भाई कैस्ट्रोल का इसके अंदर हम डाल रहे हैं इंजन, कैस्ट्रोल एक्टिव स्कूटर, ठीक है, और 10W30-40 का, और देख लो भाई सील खुल रही है इसकी, और ये चीज़ मैं तुम्हें पूरा ही दिखाऊंगा भाई, ये तो पूरा ही दिखाऊंगा, यहाँ पे कोई कट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अब आजकल ये सही दे दिया है, नोजल टाइप का एक दे दिया, काफ़ी बढ़िया रहता है। उसका डालने का तरीका भी देख लो, कभी कभी क्या है ऐसे जाता नहीं, इसको दबा के डालना पड़ता है। तो चलो बस अब करते हैं आगे। तो देखो फाइनल ये हो गया, तो ये अभी इसकी पूरी टेस्टिंग हो रही है, तुम्हारा ब्रेकिंग के, ठीक है, ब्रेक्स के टेस्ट हो रहे हैं, इससे सारे टेस्ट हो रहे हैं, रेस देखी जा रही है, और बाकी क्या वो बाकी बोल सारे कसे जा रहे हैं, हर एक चीज़ को देखा जा रहा है, ताकि साउंड से पता चल जाता है गाड़ी कहाँ तक है। और वैसे हाल फिलहाल में 19,000 किलोमीटर समथिंग कुछ चली है ये, ठीक है,
तो यहाँ पे इसका हमने टायर खोल लिया पीछे वाला, जिसके हम ब्रेक ब्रेक को चेक करेंगे, ब्रेक शू सब चेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक शू चेक करेंगे कैसे इसके ब्रेक शू चल रहे हैं, कैसे क्या है, प्रॉब्लम होगी तो बताई जाएगी, क्योंकि जिसकी ये स्कूटी है वो लेडीज़ है, लेडीज़ इसको राइड करती है, तो वहाँ पे क्या हमें इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बाकी अभी जब खुलेगा तो आपको आप लोग आगे का सीन दिखाऊंगा। तो यहाँ भी ये चेक करें इसके भाई साहब ब्रेक शू, ठीक है, ब्रेक शू इसका चेक हो रहे कि कैसे है, कैसे नहीं है, हालात पता चलेंगे इसके हालात। तो हैं दोस्तों, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो कि जो ब्रेक शू है भाई एक्टिवा है, और इसमें हीरो के है, हीरो के ये ब्रेक शू इसमें डले हुए हैं, जो कि अगर मैं रियलिटी बताऊं लगने में लग जाते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं है। एमरजेंसी में लगवाना चाहो कुछ हज़ार किलोमीटर ये चल जाएंगे, लेकिन ये कामयाब नहीं है। हीरो के स्प्लेंडर के फ्रंट वाले है, ये स्प्लेंडर के फ्रंट वाले ब्रेक शू है, तो और इस एक्टिवा के जो ब्रेक शू होते हैं वो आते अलग। देखो मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा कि ये बेकार है, लेकिन हाँ एमरजेंसी में अगर आप हो तो आप ये चीज़ लगवा सकते हो। जैसे देखो अभी हाल फिलहाल इसकी हालत बिल्कुल चिकनी हो गई, प्लेन हो गया बिल्कुल, जो कि इसका लेदर वेदर सब खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रख लेना, इसका सारा ये लिखा हुआ है, सारे इसमें कोड लिखे होते हैं, D10C3023KCC, ये सब इसमें लिखा हुआ होता है, ये सारी चीज़ इससे पता चल जाती है। लेकिन ये जो ब्रेक शू जिसने भी लगाया है, ये खैर लगाया तो इसने ऑरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पे बैडिंग हो रखी है कंपनी की, ठीक है। तो ये काम अभी भी देखते हैं, तो ये क्या होता है, ये होंडा के ही आते हैं, तो इसके जो ब्रेक शू होते हैं, देखो ये क्या होता है, ये थोड़े हल्के हैं, उसके क्या होते हैं ब्रेक शू थोड़े हैवी होते हैं, हैवीनेस होती है उनके अंदर थोड़ा सा, आपको बिल्ड क्वालिटी में भी हैवीनेस होती है और ब्रेकिंग में भी काफ़ी हैवीनेस में रहती है। ये एमरजेंसी में, जैसे मैं तुम लोगों को पहले भी कहता था, एमरजेंसी में लगवा सकते हैं, लेकिन भाई ये परमानेंट आप लगा के सोचो पहले दूसरी सर्विस के बाद बदलवा देंगे, तो ये चीज़ मत सोचना। एमरजेंसी में सिर्फ करवा सकते, क्योंकि होंडा के स्पेयर पार्ट बहुत आराम से कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ये आगे पीछे दोनों में हो जाएंगे ना, ठीक है, देखो आगे पीछे दोनों में हो जाएंगे, लेकिन इसका क्या है, ये प्राइस कम है, कम प्राइस में आता है ये, और जो एक्टिवा के होते हैं थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है उनका, लेकिन वो कामयाब काफ़ी हद तक रहते हैं, वो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, आपके 10,000 तो आराम से निकाल देंगे अगर आप हार्ड ब्रेकिंग नहीं करते हो तो। नॉर्मली कैजुअली चलाते हो तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। तो चलो दिखाते हैं आपको आगे की चीज़। ये भी देखो जी, हमने क्लीन, तो यहाँ से देख लो ये हमने पूरा प्रॉपरली क्लीन कर दिया है, ठीक है, क्लीन करके पूरा कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लीन करके ही होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब इनके लेदर वेदर फट जाते हैं तो वो इधर उधर भी चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गए इसके, देखो प्रॉपरली क्लीन हो गए, ठीक है, ठीक है, और ये क्या है यहाँ से भी हमने प्रॉपरली इसको घिस लिया अच्छे तरीके से, और बाकी देखते कैसे हो रहा है ये फिर। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो टायर बड़े लगा रखे ना इसमें, सही है, अच्छा चलो टायर नया, मैं सोचा मुझे थोड़े बड़े से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मेरे को फील हो रहा था, बट खैर ऐसा कुछ नहीं है, जो टायर इसके इतने ही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इसका टायर बड़ा। तो बाकी और दिखाते हैं कि इसके ब्रेक ब्रेक टाइट कैसे होते हैं। तो यहाँ हो गए इसके ब्रेक टाइट, देखो ब्रेक टाइट करने का ऐसे ही हर स्कूटी में, ड्रम ब्रेक वाली जितनी भी होती है बाइक स्कूटी, ये छोटी सी चीज़ है, या आप कुछ घर में कभी करना चाहो तो घर में भी कर सकते हो। देखो जितनी ड्रम्स वाली होती है सब में ऐसी होता है, लेकिन ध्यान रखना भाई ज़्यादा टाइट मत कर देना, ताकि तुम्हारा पहिया ही जाम हो जाता है कभी कभी, ऐसे जैसे कि हाल फिलहाल में आज सुबह मेरे साथ हो चुका है। तो बाकी ठीक है, तो फाइनली ये प्रॉपरली अभी से कर रहे हैं बंद, ठीक है, और इसका काम हो गया सारा ख़त्म, नंबर नहीं शो कर सकता सम पर्सनल रीजंस। तो बाकी अब इसके सीट वीट बिठाते हुए तुम लोगों को दिखा देता हूँ कैसे बैठे। तो प्रॉपरली इसका सारा काम हो चुका है, तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम कभी मिलते हैं, तो ओके बाय। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा कैसे कैसे सारी सर्विस करनी है, एक एक चीज़ के बारे में मैंने बारीकी में इस बार मैंने अच्छे तरीके से एक अलग सी जगह पे जाके वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, उससे क्या होगा आपको बेनिफिट होगा। देखो इंजन ऑयल आप कोई भी डालो स्कूटी के अंदर, हमेशा ध्यान रखना 10W30 डालना और स्कूटर वाला इंजन ऑयल डालना। वैसे इसको स्कूटी नहीं स्कूटर ही बोला जाता है बेसिकली, पता नहीं किसने स्कूटी इसका नाम रख दिया स्कूटर ही बोला जाता है, तो वही वाला आपको डलेगा इंजन ऑयल, और 800 ml का डलेगा आपको इसके अंदर इंजन ऑयल। और पहली बात, आपको जो दो एयर फिल्टर आप लोगों ने देखे होंगे, पहला जो था जो पेपर एयर फिल्टर था वो, दूसरा जो था वो फॉर्म फिल्टर, उन दोनों को आपको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। नेक्स्ट की बात करिए तो आपको जो इसके अंदर स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग को भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर लो क्लीन, स्पार्क प्लग भी हल्का सा भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। इंजन ऑयल की क्वांटिटी देख लेना कि मतलब जब आप सर्विस करो, जब भी आप लोग सर्विस करो तो उसके अंदर आपको ये देखना कि इंजन ऑयल उसमें कितना निकल रहा है, ये चीज़ क्या होता है ये आपके इंजन की हेल्थ बहुत अच्छे से बता देती है। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका ऑयल फिल्टर। हर गाड़ी के अंदर ऑयल फिल्टर होता है, हर गाड़ी के अंदर प्लेटिना से लेके हायर सेगमेंट की, मतलब कम से कम सीसी से लेके हायर से हायर सीसी के अंदर पहले की में और अब की में ऑयल फिल्टर सब में आता था। तो ऑयल फिल्टर आपका होना चाहिए हमेशा क्लीन, नहीं कर रहा सर्विस सेंटर वाला या नहीं कर रहा कोई भी, तो आप उसको स्पेशली बोलो कि भाई इसका ऑयल फिल्टर
कर दे। अगर मैं बात करूँ बाइक की स्प्लेंडर की बात करूँ, तो स्प्लेंडर के अंदर जो ऑयल फिल्टर होता है, ऑयल निकालने से पहले ही आपको ऑयल फिल्टर चेंज करवा लेना है, तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, को सब्सक्राइब करो, जो करना है वो को लिंक हमारे खराब मांगे खराब होने में कॉल चलना है आउट बॉक्स टर्न करके उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।